हाय गाइस, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं घने बालों वाले अंडर आर्म्स वैक्सिंग रीका वैक्स से करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और ये टिल टू एंड वीडियो वॉच करिए क्योंकि काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहेगा बिगनर्स के लिए और जो हमारे वीडियो देखकर पार्लर को सीख रहे हैं उनके लिए। वीडियो पर जाने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, आप हमारे वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। ये देखिए, मेरी क्लाइंट हैं और इनके अंडर आर्म्स में इस तरह के हेयर हैं, कई डायरेक्शन हैं और हैवी ग्रोथ है, जिसको हम करने से थोड़ा सा घबराते हैं। लेकिन घबराना नहीं चाहिए क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम अंडर आर्म्स वैक्सिंग करेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से ये अंडर आर्म्स वैक्सिंग हम कर सकेंगे। ये देखिए, कम से कम 3-4 डायरेक्शन में हेयर दिखाई दे रहे हैं और अभी हम ये प्री लोशन आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए अंडर आर्म्स वैक्सिंग करते समय कि उस जगह को हम अच्छे से नीट कर लें, क्योंकि पसीने के कारण या फिर एक ऑयली स्किन होती है उस कारण से भी ऑयल निकल आता है, तो वो सब अच्छे से रिमूव हो जाए। अभी देखिए, ड्राई स्किन वाले ये अंडर आर्म्स हैं, इसलिए हम इनको प्री लोशन एस्ट्रीजेंट से ये हेयर को हमने क्लीन किया है कॉटन में लेकर, और इससे साफ़ होने के बाद में अब हम वैक्सिंग करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हेयर का डायरेक्शन कितने भागों में है। रीका वैक्स को गर्म करने का तरीका इस तरह से है कि जितनी हमको आवश्यकता है उतना हमने वैक्स हीटर में निकाला है और गुनगुना वैक्स करने के बाद में हम वैक्सिंग करें। ये देखिए, इस तरह से जब गुनगुना वैक्स हो गया तो डिस्पोजेबल वाली फॉर्चुले से हम ये इस तरह से अंडर आर्म वैक्सिंग करेंगे, क्योंकि रीका वैक्स या कोई भी हम वैक्स लेते हैं नॉर्मल वैक्स के अलावा, तो इस हमारे जो फॉर्चुला होता है उस पर वैक्स चिपक जाता है और वो अच्छे से साफ नहीं होता है, हमको मुश्किल आती है, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ लिया है। और वैसे भी हाइजीनिक रखने के लिए हमने ये फॉर्चुला इस्तेमाल किया है। देखिए, सबसे पहले ऊपर के हेयर का जो डायरेक्शन है हमने देखा है और वो डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, साइड में है, तिरछे डायरेक्शन में ये हेयर है, तो हमने अच्छे से पतली लेयर वैक्स की लगाई है और स्ट्रिप को, साफ स्ट्रिप को बिल्कुल हम धीरे धीरे कस के प्रेस करेंगे। ये देखिए, एक ही बार में बहुत ही आसानी से ये हेयर रिमूव हो गए, हमने बिल्कुल अच्छे से प्रेस किया है जिससे कि हेयर सारे स्ट्रिप पर चिपक गए हैं। और अब ये ध्यान रखना है हमको कि जिस स्ट्रिप को हमने यूज़ कर लिया है उसको अगर हम या तो फोल्ड कर लें, लेकिन अभी यहाँ हम जो करेंगे वैक्सिंग, बाकी शेष हेयर जो रह गए हैं उन पर बिल्कुल क्लीन हमको स्ट्रिप को यूज़ करना है। ये देखिए, ये हेयर अभी कम से कम 2 डायरेक्शन में है, तो एक बार हमने डायरेक्शन इनका मिलता जुलता है, बीच में अलग डायरेक्शन है, तो हमने एक साथ वैक्स को अप्लाई किया। अप्लाई करने का तरीका देखिए आप, डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, पहले नीचे से ऊपर की तरफ था साइड में और अब ऊपर से नीचे की तरफ है, और ये गंदी स्ट्रिप को हमने मोड़ लिया है और साफ स्ट्रिप को बिल्कुल हम लगा रहे हैं और बड़े आराम से प्रेस करते हुए हम स्ट्रिप को करेंगे जिससे कि सारे हेयर चिपक जाए। और ये हमने देखिए एक झटके में सारे हेयर को रिमूव कर दिया अच्छे से, सारे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कुछ जो हेयर दिखाई दे रहे हैं वो हमारे हेयर के डायरेक्शन के बीच में अलग डायरेक्शन में थे, वो शेष हेयर रह गए हैं। तो हम इन हेयर को उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम
करेंगे। हेयर का जो डायरेक्शन है उसमें हमने तिरछा लिया है वैक्स को। ये देखिए आप, पहले हमने ऊपर से नीचे लिया था, अब जो डायरेक्शन वाले हेयर रह गए हैं उनको हमने तिरछा वैक्स लगाया है, क्योंकि हेयर का डायरेक्शन इसी तरह से है। अब इस वैक्स को देखिए, लगाने के बाद में हम इस साफ स्ट्रिप लेंगे और अच्छे से वही प्रेस करेंगे, और रिवर्स डायरेक्शन में हम बिल्कुल स्ट्रिप को खींचेंगे। ये देखिए, प्रेस अच्छे से करेंगे हम। वैक्सिंग, अंडर आर्म वैक्सिंग करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट की जो मुट्ठी होती है उसको कस के हमको बंद करवा लेना चाहिए, क्योंकि हैंड वैक्सिंग भी करते हैं लेकिन अंडर आर्म्स की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है और इसलिए हमको स्किन टाइट रखनी चाहिए। तो अगर मुट्ठी कस के बंद करते हैं तो हमारी स्किन टाइट हो जाती है। दूसरा, काफ़ी ऊंचा हाथ हमको रखवा लेना चाहिए क्लाइंट का, जिससे कि स्किन एकदम टाइट हो जाए और वैक्सिंग का काम अच्छा हो जाए। ये देखिए आप, जो शेष हेयर रह गए थे वो भी सारे आसानी के साथ में रिमूव हो गए। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि किस तरह से अंडर आर्म्स के हेयर के अकॉर्डिंग और स्किन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो बिल्कुल पेनलेस वैक्सिंग होगी और किसी तरह का कोई स्किन डैमेज नहीं होगी, कोई ब्लड नहीं आएगा। अगर अंडर आर्म्स वैक्सिंग के टाइम स्किन लूज रहती है तो फिर ब्लड आने की संभावना रहती है, स्किन भी डैमेज हो जाती है, और ब्लड आने से एक क्लाइंट भी इरिटेट हो जाता है, वो नाखुश होकर जाता है और हमको अपने आप में भी गिल्टी कॉन्शियस रहता है। इसलिए अंडर आर्म वैक्सिंग करते समय बिल्कुल हमको प्रॉपर वे में इस तरह के प्रोसीजर को अपना लेना चाहिए, जैसे कि हेयर का डायरेक्शन है, स्किन है। अब देखिए, वैक्सिंग के बाद में हम यहाँ पानी से वॉश नहीं करेंगे। रीका वैक्स को पानी से वॉश नहीं करना चाहिए, और ये आफ्टर लोशन जो हमने लिया है इससे हमने यहाँ ये वॉश किया है। इस तरह से देखिए स्किन एकदम साफ हो गई, और आफ्टर लोशन से, ये सारा का आफ्टर लोशन है जिससे हमने साफ किया। पहले बिफोर लोशन हमने लगाया था जिससे स्किन क्लीन की थी, और अब ये आफ्टर लोशन से हमने वॉश कर दिया। और अगर आपके पास ये आफ्टर लोशन नहीं है तो फिर हम कोकोनट ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक हैंड के अंडर आर्म्स बहुत आसानी के साथ में हो गए, जैसा कि आपने देखा। अब फ्रेंड बात करते हैं सेकेंड हैंड की। दूसरा जो हाथ है उसके अंडर आर्म्स जो हेयर दिखाई दे रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं कि काफ़ी दो साइड में हेयर हैं लेकिन एक साइड में बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये सारे एक साथ जो डायरेक्शन में हेयर दिखाई दे रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि एक साथ वैक्सिंग का काम इन हेयर पर ना करें, जबकि छोटे पैकेज में हम लेकर फिर वैक्सिंग का काम करेंगे। छोटे स्टॉक में कुछ हेयर को लेंगे, हाफ हाफ करके हम इन हेयर को वैक्स करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी घने बाल हैं, घने बाल दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर की साइड में कुछ हेयर दिखाई दे रहे हैं, उनको भी वैक्स करेंगे लेकिन उनका डायरेक्शन अलग है। ये देखिए आप, वैक्स की गुनगुनी वैक्स की रेखा, वैक्स की पतली लेयर ये इस तरह से हम लगाएंगे। बड़ी आसानी के साथ में इस तरह से वैक्स को अप्लाई किया अंडर आर्म्स पर, और ये अप्लाई करने के बाद में देखिए छोटे स्ट्रोक में हमने ये वैक्स को लगाया है, हाफ हेयर को कवर किया है अभी, और फिर हम स्ट्रिप को अच्छे से प्रेस करेंगे, जैसे कि पहले आपने देखा था उसी तरह से हल्के से प्रेस करके स्किन को एक हाथ से हम टाइट जरूर करेंगे, और प्रेस करने के बाद में रिवर्स डायरेक्शन में हम स्ट्रिप को खींचेंगे, झटके से खींचेंगे। जब प्रेस अच्छे से कर लिया तो एक बार में ही सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे। आप देखिएगा, अगर हम काम अच्छे से करते हैं, जिस तरह से प्रेस किया है या फिर हमने वैक्स अप्लाई किया है, तो उसी हिसाब से काम भी अच्छा होगा। ये देखिए आपने देखा, एक ही बार में जहाँ हमने वैक्स लगाया सारे हेयर एक बार में रिमूव हो गए। तो हम यही बिगनर्स के लिए कहना चाह रहे हैं
कि अंडर आर्म्स के घने बालों को देखकर बिल्कुल आप घबराइए नहीं और पेशेंसी के साथ में हेयर डायरेक्शन को जज करिए कि किस तरह का हेयर डायरेक्शन है। अब देखिए हाफ ये बालों को हमने वैक्स करके रिमूव कर दिया है और अब जो शेष हेयर रह गए हैं उन पर हमने इस तरह से अप्लाई किया वैक्स को। ये देखिए बिल्कुल पतली लेयर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा थिक लेयर जब लगाते हैं रीका वैक्स की तो फिर वो स्टिप पर ज़्यादा स्किन पर भी थोड़ा फोर्स पड़ता है और स्टिप भी बहुत जल्दी ज़्यादा कुछ चिपक जाती है जिससे कि पेन भी हो सकता है और काम भी अच्छा नहीं हो सकता है। ये देखिए आप अब हमने इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में हमने स्ट्रिप को खींचा है और आपने देखा कि एक ही बार में सारे हेयर रिमूव हो गए और जो छोटे छोटे हेयर थे वो भी रिमूव हो गए, कोई किसी तरह की खींचातानी नहीं हुई या बहुत ज़्यादा हम बार बार स्ट्रिप पर यूज़ कर रहे हैं या वैक्स बार बार लगा रहे हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। वो जो दो चार बाल आपको दिखाई दे रहे थे रिवर्स डायरेक्शन में उन पर हम अब इस तरह से वैक्स को लगाया और अब देखिए वही हम वैक्स स्ट्रिप को प्रेस करेंगे लगाएंगे और बिल्कुल अच्छे से काम हो जाएगा। फ्रेंड्स देखा आपने कि कितने घने बाल थे और घने बालों में हमने किस तरह से ध्यान रखते हुए स्किन का ध्यान रखते हुए वैक्स की कितनी पतली लेयर लगानी है, गुनगुना वैक्स कितना करना है, ये सब ध्यान में रखते हुए स्किन का ध्यान रखते हुए हमने जिस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में स्ट्रिप को खींचा उसका ध्यान रखते हुए अंडर आर्म वैक्सिंग की तो कोई पेनलेस वैक्स हुआ है, ये कोई पेन भी नहीं हुआ और काम भी देखिए कितना नीटली हुआ है। और नीटली होने के बाद में आप खुद देख रहे हैं कि इस रीका वैक्स की ये क्वालिटी है कि टैनिंग रिमूवल भी है, आपने देखा एकदम जो अंडर आर्म्स बिल्कुल क्लीन हो गए, क्लियर हो गए, कहीं भी कालापन दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम वही आफ्टर लोशन से वॉश करेंगे और अगर ऑयली स्किन किसी की होती है तो हम पाउडर भी लगा सकते हैं, नीट करने के बाद में पाउडर लगा कर वैक्सिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड विश्वास है आपको ये वीडियो हमारा काफ़ी पसंद आया होगा, यूज़फुल रहेगा आपके लिए। अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।